आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील होने पर बढ़ जाती है पुरुषों के अंडकोश की नसें। और आइए आपको बताते हैं इस बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज। 15 से 30 साल के पुरुषों में वेरिकोसील की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। इससे स्पर्म कम बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी नजर आती है। तो आखिर वेरिकोसील क्या है, ये बीमारी क्यों होती है, पुरुषों में होने वाली इस बीमारी के कारण किन किन समस्याओं का सामना होता है, साथ ही साथ आज आपको बताते हैं कि डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं। पुरुषों के शरीर में टेस्टिस सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे अहम हिस्सा है। टेस्टिस के अंदर जो नसें होती हैं, जो रक्त संचार करती हैं, अगर वो किसी कारण से फूल जाएं, तो इस कारण खून का दौरा जाम हो जाता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर वॉल्व खून के दौरे को वापस नहीं जाने देते, वो उसे रोक देते हैं। इस वजह से खून का दौरा ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ हो जाता है। इसे ही वेरिकोस वेन कहा जाता है। वेरिकोस जब टेस्टिस में होता है तो उसे वेरिकोसील कहते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पुरुषों में दो टेस्टिस होते हैं, पहला दाहिना और दूसरा बायां। ये टेस्टिस एक प्रकार की थैली के अंदर होते हैं। मेडिकल टर्म में इसे स्क्रॉटम कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में अंडकोश कहते हैं। टेस्टिस स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए स्क्रॉटम के अंदर लटकते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड 3-4 तत्वों से बनी होती है, जिसके अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी होती है जो खून को अंदर लेकर जाती है। वेस्ट डिफरेंस होता है जो स्पर्म को प्रोस्टेट तक लेकर जाता है। इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी होती है जो खून को अंदर ले जाती है, एक गुच्छे में जाता है और जिसे हम पेन पेमिफोम कहते हैं। अगर वेन्स खुल जाती हैं तो वॉल्व कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में खून के दौरे को ये रोक नहीं पाते। इसी समस्या को वेरिकोसील कहा जाता है। तो आपको बता दें कि पुरुषों के शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है वेरिकोसील। जरूरी हमें समझना होगा कि हमारे टेस्टिस के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि टेस्टिस जब सही तरीके से काम नहीं कर पाता तो इसका असर स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है। स्पर्म की उत्पादकता कम हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इससे फर्टिलिटी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। स्पर्म कम होने से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाती, पुरुषों में चिड़चिड़ापन होता है, पुरुषों में तनाव होता है। टेस्टोस्टेरोन के कारण शरीर में कई दूसरे बदलाव भी आते हैं। और अब आपको बताते हैं कि वेरिकोसील आखिर होता क्यों है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बीमारी के होने का कारण, इस पर रिसर्च हो रहा है कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है। इस बीमारी के होने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये 15 से 30 साल के युवाओं में ज़्यादा दिखता है। वैसे जो जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, नस खिंच जाती है, वो भी एक कारण होता है। दाहिने की तुलना में लेफ्ट वाला ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस बीमारी को कैसे पहचाने? डॉक्टर्स कहते हैं कि कई केस में किसी भी तरह का कोई लक्षण नज़र नहीं आता। रूटीन एग्जामिनेशन में भी इस बीमारी का पता नहीं चलता। कई केस में शादीशुदा पुरुष, महिला, शिशु के जन्म ना होने के कारण जब डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तब उन्हें इस बारे में पता चलता है। कुछ केसेस में टेस्टिकल्स में दर्द होता है, वहीं बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो टेस्टिकल्स और स्क्रॉटम सूज जाते हैं। हाथ से छूने पर भी गांठ जैसा महसूस होता है। मरीज अगर भारी सामान उठाता है तो भी उसे टेस्टिस में दर्द होता है। तो इस बीमारी के बारे में कैसे पता लगाएं? इसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। अल्ट्रासाउंड से इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बता दें, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद भी स्पर्म काउंट में कमी होगी और गर्भ धारण करने में परेशानी होगी, इसीलिए इसका जल्द से जल्द उपचार करवा लेना चाहिए। जैसा कि बीमारी के लक्षणों के बारे में बताया गया है कि अगर उस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह करें। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।